फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग? होपफुली सब बहुत अच्छे होंगे, सब भले चंगे होंगे, सब अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे एंड हैप्पी होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो थोड़ी सी अलग है। तो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपनी वार्डरोब का ऑर्गेनाइजेशन, कि कैसे मैंने जीरो कॉस्ट में अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करा हुआ है और बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज किए हैं। मेरे पास केवल एक ही वार्डरोब है और प्लस उसमें हबी के भी कपड़े हैं, मेरे भी कपड़े हैं, बच्चे के भी कपड़े हैं, बेडशीट्स भी हैं, बहुत कुछ सामान है। थोड़ा बहुत बेड के अंदर भी रखा हुआ है मैंने, ऐसा नहीं है। बट मैं आपको दिखाऊंगी एक स्मॉल रूम का, स्मॉल हाउस का एक टाइनी वार्डरोब। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और इसमें मैं आपको अपनी अलमीरा को सेट करने के टिप्स एंड ट्रिक्स भी जरूर दूंगी। तो आज का वीडियो मेरा स्पेशल लेडीज के लिए है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, लेट्स गेट स्टार्ट। तो सबसे पहले मैं आपको अपनी अलमीरा का व्यूज दिखा देती हूँ। ये है मेरी पूरी अलमीरा का व्यू, ये ड्रॉर भी दिखाती हूँ आपको। बाहर से भी आपको इसका एक व्यू देती हूँ। ये है इसका बाहर से व्यू। और नीचे वाला ड्रॉर भी दिखाती हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है किस तरह से मैंने सब ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। तो सबसे पहले आ गई हूँ मैं ऊपर फर्स्ट वाले सेक्शन में। इसमें दोनों के ही कपड़े हैं, मेरे और मेरे हस्बैंड के, जो हमारे डेली यूज वाले, जो हम लोग बाहर जाते हैं वो वाले कपड़े मैं आपको दिखाऊंगी सबसे पहले कि मैंने किस तरह से रखे हुए हैं। इसमें पार्टी वियर्स और जो मैरिज में पहनने वाले कपड़े होते हैं वो इसमें ऐड नहीं है। इसमें ओनली वही कपड़े हैं जो हम मॉल वॉल या डॉक्टर्स के जाते हैं या मार्केट घूमने गए हैं, वो कपड़े हैं और डेली वियर वाले हैं ओनली। चलिए फिर, ये तो मेरा बैग्स है, ये रखी हुई ये जीन्स हैं। इसमें दो जीन्स इनकी हैं, बाकी ये जीन्स मेरी हैं। और ये रखे हुए हैं मेरे पर्स। अब इन पर्स को मैं आपको हटाकर दिखाती हूँ कि आगे पीछे इसके क्या क्या रखा हुआ है। अभी मेरे पर्स और भी इधर ये टंगे हुए हैं। ये रखी मेरे हबी जी की शर्ट्स और टी शर्ट्स, ये टी शर्ट्स रखी हैं, बट वो जब नमाज पढ़ते हैं तो शर्ट्स पहनते हैं, तो मैंने उनकी केवल तीन ही शर्ट्स निकाल रखी हैं। एक वो पहने हुए हैं, बाकी की दो ये धुली हुई रखी हुई हैं। और ये है जीन्स, और ये है मेरे कपड़े जो हम लोग बाहर घूमने जाते हैं। ये मेरी फ्रॉक रखी हुई है, देखिए इसको मैंने रखा हुआ है इस तरह की पॉलीथीन में, जो सेलोफिन की बैग्स आते हैं, ये ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन होती हैं। ये आपको किसी भी जो क्रॉकरी वाली जो शॉप होती है डिस्पोजेबल, वहाँ आपको मिल जाएगी। इसमें आपको जो कपड़े होते हैं आपके सब इजीली अच्छे से मिल जाते हैं, और ये डिसबैलेंस भी नहीं होते हैं कपड़े इसमें। इधर मेरे ये हैंगर लगे हुए हैं, बट मैं हैंग करना प्रेफर नहीं समझती हूँ, बिकॉज क्योंकि हैंगर में लगाने से कपड़ों की धूल आ जाती है। ये मेरे वो कपड़े रखे हुए हैं जो मैं बहुत कम लेती हूँ, बहुत कम पहनती हूँ, इवन मैंने पहने भी नहीं है अभी तक की। और यहाँ रखे हैं ये मेरे हब्बी के कुर्ते पजामे, और ये ऊपर रखे हुए हैं मेरे कुछ टॉप्स जो कि मैंने पॉलीथिन में करके रखे हुए हैं। आप देख सकते हो कितने अच्छे से मैंने इसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है। कुर्ते पजामे हैं ये इनके, और ये रखे हैं मेरे कुछ टॉप्स जो कि भी मैंने यूज भी नहीं किए हैं। चलिए अब आते हैं दूसरी रो में। तो फ्रेंड्स, अब हम ऊपर के सेक्शन से आ गए हैं नीचे के सेक्शन में। आप देख सकते हो ये मेरे सारे डेली वियर वाले कपड़े हैं, और मैंने इसमें कोई भी जो महंगे महंगे बास्केट्स होते हैं उनका यूज नहीं किया हुआ है। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से ये क्या यूज किए हैं। इधर रखे हैं हस्बैंड के सैंडो, नैपकिन्स,
और ये रखे हैं उनके लोवर्स, और ऊपर रखे हुए हैं मेरे डेली पहनने वाले सूट्स, ये रखी है मेरी टी शर्ट्स, और ये रखे हैं मेरे बिना पहने हुए सूट जो मैं अभी नहीं पहने हैं बट मैंने ये डेली यूज़ के लिए बनाए हुए हैं, और ये भी मेरे डेली वेयर वाले कपड़े रखे हुए हैं, और ये मेरी रखी हुई सारी सलवारें जो कि मैं घर में पहनती हूँ, जो कि मेरे फेवरेट हैं, बहुत हल्के हैं, एकदम बहुत ही हल्के हैं, जैसे मुझे गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं होता है। ये रखे हुए हैं मेरे हस्बैंड का जिम का सामान, सब सपोर्टर, नी सपोर्टर्स, और ये हैं हैंड ग्लव्स, बाकी ये हैं मेरी चुन्नियाँ जो शिफॉन की चुन्नियाँ होती हैं, वो मैंने इस तरह के बॉक्स, मैंने महंगे बास्केट्स नहीं खरीदे हुए हैं, ये सारी चुन्नियाँ मैंने, क्योंकि ये स्लिप होती हैं शिफॉन की चुन्नियाँ, आप यकीन मानिएगा ये पूरी अलमारी को, आपकी अलमीरा को डिस्टर्ब करती हैं, तो मैंने इस तरह के बॉक्सेस ले लिए थे मार्केट से, और ये बॉक्सेस मुझे बहुत ज़्यादा महंगे भी नहीं पड़े, ओनली 20 रुपीज़ का एक बॉक्स पड़ा है, जो किराना स्टोर की शॉप्स होती हैं, मैंने उससे ये 2-3 बॉक्स परचेज किए थे। इसमें मैंने अपनी सारी शिफॉन्स की चुन्नियाँ रख ली हुई हैं, और इसमें ये मेरे नमाज के दुपट्टे रखे हुए हैं, और ये मेरे रखे हुए हैं रोल किए हुए स्टोल्स, जो कि मैं मार्केट जो टॉप वॉप लेती हूँ, जो वेस्टर्न लेती हूँ उसके साथ लेती हूँ, ये आपको मैं दिखा चुकी हूँ, ये वाला सेक्शन मैं दिखा चुकी हूँ। और एक चीज और आपने इसमें नोटिस नहीं की होगी, और इसमें रखी है मैंने परफ्यूम की बॉटल, क्योंकि परफ्यूम की बॉटल रखने से इसमें बहुत अच्छी फ्रेग्रेंस आ जाती है, स्मेल नहीं आती आपकी अलमीरा में, और आप चाहो तो इसके अंदर एयर पॉकेट वाले वो जो फ्रेशनर्स होते हैं वो भी रख सकते हो। और इसमें कुछ मिसलिनियस सामान रखा हुआ है, और ये हैं बी बेड शीट्स रखी हुई हैं। चलिए अब आते हैं नीचे के पोर्शन में, और इस बॉक्स में रखे हुए हैं सारे अंडरगारमेंट्स, आप लोग देख सकते हो कि कितनी इजीली मैं कोई भी अपना कपड़ा निकाल सकती हूँ, मुझे सब पता है कि कहाँ मेरे कौन से कपड़े रखे हुए हैं, और मेरी जो अलमीरा होगी वो भी डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसे मुझे नीचे वाली टी शर्ट, वाइट वाली टी शर्ट निकालनी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं किस तरह से इसको निकालती हूँ। बाकी ये वाइट वाली टी शर्ट हमने निकाल ली है, बाकी ये सारी टी शर्ट्स मैंने इसमें रखती, देखिए किस तरह से मेरी अलमीरा जो है बिगड़ी भी नहीं है, आप लोग देख सकते हो, और वैसी की ही वैसी रही, एकदम क्लीन एंड नीट क्लीन, और मेरी टी शर्ट भी निकल गई है। तो अगर आपके पास परफ्यूम या एयर पॉकेट नहीं है, तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे परफ्यूम्स होते हैं जो कि हम यूज नहीं करते हैं, तो वो आप इस तरह से अपनी अलमीरा में रख सकते हैं। आते हैं अब नीचे की पोर्शन की तरफ, ये रखी हुई मेरे पास 2 baskets, ये मैंने कोई इस समय खरीदी नहीं है बट मेरे पास से पहले की ही पड़ी हुई थी, तो मैं आपको दिखाती हूँ मैं इस बास्केट में क्या क्या सामान रखती हूँ। इस बास्केट में मेरा जो भी सामान रहता है, जैसे ये मेरे पास ड्राइबिल दुपट्टे पड़े हुए हैं इधर, और इधर इनरवियर पड़े हुए हैं, इधर लेस पड़ी हुई है, ये टेप का गुल्ला है जो कि सेलो टेप है, जो मैं आराम से छुपा कर रखती हूँ, आराम मेरा टेप का बहुत बड़ा दुश्मन है, ये लेस रखी हुई है, ये कुछ बचे हुए दुपट्टे रखे हुए हैं, पन्नियाँ रखी हुई हैं ये पैकिंग वाली, तो ये सारा सामान मैं इसमें ही रखती हूँ ताकि वक्त पड़ने पर मुझे ईजिली मिल जाए। और आप देख सकते हो ये एक बैग रखा हुआ है, इसमें मेरे लहंगे हैं और गाउन है, और इधर ये छोटी सी मैंने DIY करके बास्केट बनाई थी, इसमें इनके सॉक्स रखे हुए हैं जो एक्स्ट्रा वाले थे, और थोड़े से सॉक्स मैंने इस ऑर्गेनाइजर में रखे हुए हैं, ये मुझे गिफ्ट किया थे ऑर्गेनाइजर, ये सारे सॉक्स रखे हुए हैं, और ये रखा हुआ है नारा, मैंने पॉलीथीन में करके रखा हुआ है, बिकॉज क्योंकि कभी कभी हमको नारे मिलते नहीं हैं। तो ये पीछे वाले बैग में जैसे कि मैंने आपको बताया है मेरे लहंगे और गाउन रखे हुए हैं, इसमें एक लहंगा और एक गाउन रखा हुआ है, और ये है ऑर्गेनाइजर,
इसमें सारे सॉक्स रखे हुए हैं और इसमें एक मैंने नारा भी रख दिया है क्योंकि नारी की हमें जरूरत पड़ती रहती है। ये सारे सॉक्स रखे हुए हैं। अभी आपको दिखाती हूँ, ये एक बास्केट और है, पहले इसके पीछे दिखाती हूँ इसके पीछे क्या रखा हुआ है। इसके पीछे वही कपड़े रखे हुए हैं जो मैं बहुत कम यूज करती हूँ। ये मेरे जो लॉन्ग वाले गाउन होते हैं वो रखे हुए हैं और ये कुछ सलवार्स हैं जिसके मुझे कमीज बनाने हैं, ये वो रखी हुई हैं एक्स्ट्रा थी जो कि मैंने अलग पॉलीथीन में करके रख दिया है, जो मार्केट मुझे जाना हो तो मैं इनको इसमें से निकाल लूं। और इसमें दिखाती हूँ आपको मैं, इसमें ही कुछ मटेरियल्स रखे हुए हैं मेरे पास, इनकी शर्ट्स रखी हुई हैं, ये लोअर्स रखे हुए हैं और ये एप्रिन रखे हुए हैं, उसके नीचे भी इनके जिम लोअर रखे हुए हैं। ये चीज़ें मैंने इसमें इसलिए रख दी हुई हैं क्योंकि मुझे कभी भी ज़रूरत होती है तो मैं इजिली इसको निकाल लेती हूँ और इसको देखना भी बहुत आसान रहता है। अक्सर ये होता है कि हमारे पास चीज़ें टाइम पर हमको चीज़ें नहीं मिलती। अगर आप इस तरह की बास्केट अरेंज नहीं कर सकते हैं, नहीं ला सकते हैं, तो मैं आपको उसका एक जो फ्लिपकार्ट के बॉक्स होते हैं आप उसका DIY कर सकते हो। देख सकते हो ये बास्केट जो है ये मैंने घर में ही बनाई है DIY कर। मेरे पास एक फ्लिपकार्ट का बॉक्स था और इसको मैंने रैप कर लिया, रैप कर इसमें मैंने छोटे छोटे सामान सॉक्स जो होते हैं वगैरह वगैरह वो इसमें रख दिए हैं और ये बहुत कम जगह में सेट भी हो जाती है। और ये है मेरी बेडशीट्स, इनको भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये रखी हुई है मेरी डेली यूज वाली बेडशीट्स जो कि एकदम कॉटन की हैं, जो भयंकर गर्मी में यूज करती हूँ। और उसके पीछे भी दिखाती हूँ मैं आपको क्या है। इसके पीछे ये है कॉटन की मोटी वाली बेडशीट जो कि मैं बहुत कम यूज करती हूँ। इस बेडशीट को मैं बहुत कम यूज करती हूँ, इसको जब थोड़ा मौसम ठंडा होता है कॉटन की, बट मैं इसको थोड़ा मौसम सही होने के बाद ही बिछाती हूँ। इसके ये प्लो कवर रखे हैं, ये मेरे पास एक्स्ट्रा प्लो कवर रखे हुए हैं। और ये है मेरे हस्बैंड की टॉवल्स जो मोटी मोटी बड़ी बड़ी होती हैं। एक ये बेडशीट और रखी हुई है, ये काफी मोटी थी तो इसलिए मैंने इसको पीछे रख दिया। ये भी हुए हैं सीरियल वाइज ही मैंने लगाए हुए हैं जिस तरह से बेडशीट रखी हैं। और ये हैं टॉवल्स, ये है अरहम की टॉवल और ये है मेरी टॉवल्स। और इसके पीछे भी मेरे न्यू कुशंस कवर रखे हुए हैं जो मैंने अभी तक लगाए। ये रखी हुई न्यू टॉवल्स और ये कुशंस कवर रखे हुए हैं न्यू, और ये अरहम के कुछ टॉय रखे हुए हैं जो बिल्कुल न्यू है, अभी तक नहीं उसने लिए हैं। बाहर से देखने से इसका व्यू ऐसा है। ये कुछ मेरे बैग्स टंगे हुए हैं जो मैं कभी कभी यूज करती हूँ। ये वाला बैग मैं पर्स जरूर यूज करती हूँ क्योंकि इसमें मेरा फोन आराम से आ जाता है। चलिए अब दिखाती हूँ आपको नीचे की लास्ट ड्रॉर। ये आ गई अरहम की ड्रॉर, ये रखे हैं सबसे ज्यादा अरहम के कपड़े इसमें, अरहम के इस बैग में अरहम के सारे न्यू कपड़े रखे हुए हैं जो उसने अभी तक की एक बार भी नहीं पहने हैं। और ये रखे हुए हैं उसकी डेली यूज वाले कपड़े, जो डेली टी शर्ट्स लेता है ये वही इसकी सारी टी शर्ट्स रखी हुई हैं। देखिए मैंने जो डेली यूज वाली टी शर्ट्स हैं वो एक जगह रख दी हुई हैं। अभी इस समय पजामे पहन रहा है वो ढीले ढीले क्योंकि गर्म ज्यादा हो रही है, तो ये सारे उसके डेली वाले पजामे रखे हुए हैं। ये सैंडो रखी हुई है, सैंडो इस टाइम मैं नहीं पहना रही हूँ। ये है लोवर्स, लोवर्स भी नहीं पहना रही हूँ क्योंकि गर्मी हो रही है। और इधर रखे हैं उसके ये सारे शॉर्ट्स, ये भी शॉर्ट्स रखे हुए हैं। और ये रखी हैं उसकी जीन्स, ये सारी जीन्स रखी हुई हैं। और इधर नीचे रखी हुई हैं उसकी ये फुल स्लीव्स वाली टी शर्ट्स। जब बरसात का मौसम होता है या थोड़ा सा ठंडा मौसम चेंज हो जाता है, वेदर चेंज होता है, ये जब लेती हूँ। और उधर मेरा मैंने उसकी यहाँ इसलिए ड्रॉर सेट कर दी है क्योंकि वो इजीली यहाँ से अपने कपड़े निकाल ले। तो गाइज आज का आपका मेरा ये वीडियो, मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताइएगा। इस रूम में मैं बिना पंखे के और बिना एसी के वीडियो बना रही हूँ 45 डिग्री टेम्परेचर में, और मेरी हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो चुकी है। सो प्लीज़
इस वीडियो को ढेर सारे लाइक जरूर दीजिएगा, टिक्स एंड ट्रिक को जरूर फॉलो कीजिएगा, और जो लोग ने मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया है सो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए इजाजत चाहती हूँ, टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।